हेलो फ्रेंड्स, रंजीतास किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ तिल के लड्डू की रेसिपी, जिसे हम बिना किसी परेशानी के झटपट बनाकर तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसे बनाने का तरीका पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम 200 ग्राम तिल को अच्छी तरह से भूनेंगे, इस तरह से चलाते हुए हल्का सा लाल होने तक भूनना है इसे। देखिए बस इस कलर का करेंगे और फिर इसे हम एक बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेंगे, फैला देते हैं इसे अच्छी तरह से। अब हम एक कढ़ाई में एक चम्मच घी डालकर इसमें 150 ग्राम गुड़ डालेंगे। और इसे इस तरह से चलाते हुए गुड़ को पिघला लेंगे। बहुत ही आसानी से गुड़ पिघल जाता है। बस इस तरह से चलाते रहना है। यह देखिए अब यह थोड़ा थोड़ा पिघल गया है। बस इसे इसी तरह से चलाते हुए पिघला लेंगे। थोड़ी देर बाद यह इस तरह से झाग की तरह होने लगेगा। इसे लगातार चलाते हुए ही पकाना है। यह देखिए अब यह इस तरह से झाग की तरह होने लगा है। अभी हम थोड़ी देर गुड़ को अच्छी तरह से पकाएंगे। बस इस तरह से चलाते हुए यह देखिए कितनी झाग की तरह होने लगा है। अभी थोड़ी देर और पकाएंगे इसे। यह देखिए अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है लाल की तरह। बस इतना ही पकाना है। गैस को हम लो कर देंगे और फिर इसमें डालेंगे भुने हुए तिल। तिल को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से मिलाते हुए। बस इस तरह से तैयार कर लेना है इसे। यह देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से मिल गया है। यह बस गैस को हम ऑफ कर देंगे और फिर हम अपने हाथों में जरा सा पानी लगाकर इस तरह से इसकी लड्डू तैयार करेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है। बस इस तरह से सभी लड्डू को हम बना लेंगे। बहुत ही टेस्टी तिल के लड्डू बनकर तैयार है। आप इसे एक बार इस तरह से जरूर बनाइए। अगर यह रेसिपी आप लोग को अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।